वेलकम बैक टू माय चैनल अबाउट बाइक्स। तो आगे भी बाइक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर उसको क्लिक कर दें और आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली पाने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वेलकम बैक टू माय चैनल अबाउट बाइक्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में करने वाला है सुजुकी एक्सेस 125 BS6 मॉडल का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को फर्स्ट से लेकर एंड तक देखना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हो, इंडिया के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से यहाँ पे फैल रहा है और कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट्स के रूल्स का फॉलो नहीं कर रहे हैं। कर्फ्यू हो रहा है, ह्यूमन कर्फ्यू में भी हम बाहर निकल जा रहे हैं घर से। ये गलत चीज़ें हैं गाइस। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, आपको किसी और के बारे में नहीं तो अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। फैमिली के बाद अपने जो एरिया में आप रहते हो उस एरिया के बारे में सोचना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए, दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। इस वायरस से संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है, आपको घर से नहीं निकलना है। बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकलें। घर से निकलें तो मास्क वगैरह ज़रूर ले लें, साथ सैनिटाइज़र यूज़ कर लें। बाहर के खाने को अवॉइड करें, मॉर्निंग वॉक, बाहर की चाय, नाश्ता वगैरह कुछ भी खाने से अवॉइड करें। जहाँ भी अगर आप खा रहे हो या ठेले पे आप खा रहे हो, तो उसको मास्क और हैंड ग्लव्स पहनने की ज़रूर सलाह दें, क्योंकि आप अपने हाथ को साफ कर रहे हैं, बट आप जहाँ खा रहे हो पता नहीं वहाँ का हालात क्या है, वो अपने हाथ धो रहा है या नहीं धो रहा है। और फैमिली को अपने टाइम दें, बस मूवी देखें, टीवी देखें, मोबाइल पे चैटिंग करें, वीडियो कॉल करें, कुछ भी करें, बस घर में रहें गाइस। चाहे फ़ोन पे, चाहे टीवी पे, हर जगह पे हमें जो मैसेजेस मिल रही हैं, जिन रूल्स को फॉलो करना है कोरोना वायरस से बचने के, उनको सबको फॉलो करें। बस आई होप कि बहुत जल्दी ये बुरा वक्त इस दुनिया से समाप्त हो जाए। और नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी चीज़ जो इस दुनिया में है वो परमानेंट नहीं है। आज हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो ये बहुत जल्दी वक्त के साथ समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए सिर्फ हमें अपना सहयोग देना है, तो बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दें। कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए फटाक से वीडियो शुरू करते हैं और इन्जॉय दिस वीडियो। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं इस गाड़ी का रिव्यू। तो आज करते हैं हम फोटो से रिव्यू इस गाड़ी का। तो पहले इसका राइट साइड का जो व्यू है वो देख लो। ये है स्कूटर का राइट साइड का व्यू, तो इस तरह का दिखता है स्कूटर राइट साइड से। अगर लेफ्ट साइड की बात करो तो लेफ्ट साइड का पैनल और लेफ्ट साइड से गाड़ी का जो लुक है इस तरह का आता है। जो स्कूटर आपको फ़ोटो में दिख रहा है ये प्रीमियम एडिशन है। इसका प्राइसिंग नॉर्मल स्कूटर से थोड़ा सा हाई होगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट का आप लुक देख सकते हो, थोड़ा स्क्वायरी और बॉक्सी शेप इसको गाड़ी को दिया गया है। मिरर की बात करो तो क्रोम दिया गया है मिरर में। अब हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिल रहा है, जो इसमें डुअल हेडलाइट मिल रहा है। इसका सेटअप हाई बीम और लो बीम के लिए है, तो दोनों ही बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं। डार्क नाइट में भी आपको बहुत अच्छा विजिबिलिटी इस गाड़ी में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके सेंट्रल पैनल की। तो यहाँ पे आपको क्लियर लेंस इंडिकेटर प्रोवाइड किया जा रहा है गाड़ी की तरफ से। यहाँ किसी भी तरह का LED का यूज़ नहीं किया, बल्ब है। और यहाँ पे दो पायलट लैंप भी मिल रहा है, जिसको आप डे टाइम रनिंग लैंप भी बोल सकते हैं, जो आपके इग्निशन के साथ सेट है। अब अगर फ्रंट व्हील की बात करें तो फ्रंट आपको 12 इंच का व्हील मिल रहा है। 90x90 सेक्शन के टायर मिल रहे हैं यहाँ पर, ट्यूबलेस। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको और भी ऑप्शंस है इसके अलावा, इसमें आपको रिम्स के भी ऑप्शन दिए गए हैं स्टील रिम्स के। अगर यहाँ फ्रंट की बात करें, जो स्कूटर का रिव्यू हम लोग कर रहे हैं, उसमें 240mm के डिस्क ब्रेक भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नॉर्मली आपको ड्रम ब्रेक भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर सेंट्रल पैनल की बात करो तो बहुत अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, नी रूम बहुत अच्छा मिल जाता है। मेरी 5-8 हाइट है, तो मैंने जब ड्राइव किया था तो मुझे परफेक्टली
लगा था ये गाड़ी। अब बात कर लेते हैं इसकी स्विच क्वालिटी। स्विच क्वालिटी आप देख सकते हो पहले की तरह है, बट थोड़ा सा इसका प्लास्टिक क्वालिटी में ज़रूर सुधार आया है। यहाँ मैं हेड बीम, लो बीम और उसके बाद इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच है। पासिंग स्विच यहाँ पे नहीं दिया गया है, आप किसी भी तरह का यहाँ देख सकते हो। सेकंड साइड की बात करें तो बहुत अच्छा यहाँ पे जो मर्ज किया गया है इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट को, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो बहुत साइलेंट स्टार्ट होती है गाड़ी। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आपको डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, इको लाइट मिल जा रही है, इंजन हीटिंग स्विच दे दे रही है। और अगर डिजिटल की बात करें वहाँ में ट्रिप मीटर, आपको दो ट्रिप मीटर मिल जा रहे हैं, फ्यूल इंडिकेटर मिल जा रहा है, टाइमर मिल जा रहा है, डिस्टेंस कितना आप मेंटेन कर रहे हो तो डिस्टेंस इंडिकेटर मिल जा रहा है, दोनों साइड पर इंडिकेटर के लाइट मिल जा रहे हैं आपको। तो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इसको, तो बहुत ही लुक अच्छा आ रहा है इसका। अब बात करते हैं इग्निशन स्विच की। तो इग्निशन स्विच में आप देख सकते हो यहाँ शटर सिस्टम अभी भी दिया जा रहा है, पहले भी इस पर दिया जा रहा था। यहाँ में एक छोटा सा बटन देख रहे हो आप, इसको आप दबा दोगे तो आपको चाबी से इसको शटर को बंद करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक शटर बंद हो जाता है। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। हालांकि बाकी सारे स्कूटर्स में आपको की से ही आपका शटर बंद और खोला जाना ऐसा सिस्टम दिया गया है, बट इसमें एक बटन सिस्टम देके थोड़ा इजी कर दिया गया है। सीट की बात करें तो सीट आप देख सकते हो लेंथ अच्छी खासी आपको मिल जाएगी। अगर एक फैमिली जा रही है तो आसानी से तीन जने आराम से बैठ सकते हैं, दो लोग और एक बच्चा आराम से इसमें बैठ सकता है, सफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फुटरेस्ट की बात करो तो यहाँ प्लास्टिक रबर फुटरेस्ट का यूज़ किया गया है। यहाँ अगर एल्युमिनियम के यूज़ करते तो और थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगने लगता गाड़ी। सीट की कुशनिंग की बात करो तो सीट की कुशनिंग अच्छी खासी है, बट उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए। नॉर्मली ये मिडिल साइज़ की सॉफ्टनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट मेरी तरफ से ओके है सीट, लॉन्ग ड्राइव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब अगर बात कर दें इसके लुक की तो साइड लुक आप देख लो, साइड में एक आपको छोटा सा पॉकेट दिख रहा होगा, पॉकेट में आप मोबाइल कैरी कर सकते हो, बट अगर इसमें कवर दिया होता है, कैप दिया होता है, लॉक सिस्टम दिया होता है, वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आपको 3D लोगो देखने को मिल जाएगा और यहाँ इंडियन फ्लैग देखने को भी मिल जाएगा, क्योंकि मेड बाय इंडिया है ये स्कूटर, इंडिया में बन रही है, इसीलिए यहाँ पे एक फ्लैग का फ़ोटो भी आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ 3D लोगो मिल जा रहा है एक्सेस 125 का। रियर की बात करें तो रियर टायर हमको 10 इंच का मिलने वाला है यहाँ पे, और ट्यूबलेस टायर मिल रहा है यहाँ पे, और ड्रम ब्रेक पीछे में प्रोवाइड किया है, डिस्क ब्रेक का कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया गया है अभी इस गाड़ी में। और पीछे आप देख सकते हो साइलेंसर में किस तरह का क्रोम का डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ जो एक क्रोम एलिमेंट इस गाड़ी का इनहेंस कर रहा है, ज़्यादा इसका लुक को निखार के ला रहा है, तो ये देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब अगर हम लोग बात करें रियर टायर की, तो रियर टायर आपको 10 इंच के मिल रहा है, फ्रंट आपको 12 इंच मिल रहा है। तो यहाँ एलॉय व्हील और स्टील रिम दोनों का ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, ट्यूबलेस टायर पीछे भी मिल रहा है आपको, तो रोड ग्रिप अच्छी मिल जाएगी। इंजन की बात करें तो इंजन 124 cc 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 10 nm, RPM आपको 5500, वाल्व बेल्ट ड्राइव, फ्यूल इंजेक्ट CVT टेक्नोलॉजी वाला इंजन देखने को मिलेगा इस गाड़ी में, जो बिल्कुल फ्रेश इंजन है 125 सेगमेंट में। माइलेज की अगर बात करें तो बेहतरीन माइलेज इसमें, 60 तक की माइलेज आसानी से ये गाड़ी निकाल लेती है, तो ये चीज़ एक बेटर चीज़ है। 125 होने के बाद भी ये गाड़ी इतना अच्छा माइलेज प्रोवाइड कर देती है। गाड़ी में देख सकते हो साइड पे आपको किक स्टार्ट मिल जा रहा है, साइड स्टैंड मिल जा रहा है और मिडिल स्टैंड भी मिल जा रहा है। गाड़ी में अगर आप स्टैंड को ओपन रखते हो तो इसमें टेक्नोलॉजी है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तो ये एक बहुत ही सेफ्टी वाला टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया गया है। रियर की बात करो तो यहाँ एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी अभी नई BS6 स्कूटर में, वो है एक्सटर्नल फ्यूल फिलर। बट इसमें एक्सटर्नल फ्यूल फिलर देने के बाद भी ये गाड़ी इजी टू यूज़ नहीं है, क्योंकि आपको बार बार गाड़ी से उतर के एक्सटर्नल फ्यूल फिलर को खोलना पड़ेगा। फ्रंट के इग्निशन स्विच में इसका कोई भी सिस्टम नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी देने के बाद भी आदमी को इजी टू यूज़ नहीं है, ये फिर भी उतना ही प्रॉब्लम देता है। रियर की लुक की बात करें तो गाड़ी बहुत ही ब्रॉड लगती है, चौड़ी लगती है, मस्कुलर लगती है। तो अगर आप थोड़ी हेल्दी है, थोड़ा सा आप
मतलब मस्कुलर इंसान है तो आपके लिए ये गाड़ी बेस्ट है, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी बड़ी लगती है। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे 21 लीटर का लार्ज बूट स्पेस आपको मिल रहा है, जो कि एक्टिवा फसिनो दोनों ही स्कूटर से ज़्यादा है। शायद जुपिटर में भी इतना बड़ा आपको बूट स्पेस नहीं मिल रहा है जितना इसमें मिल रहा है। बूट लाइट भी इसमें मिल रही है। अब अगर हम लोग हेलमेट की बात कर लें तो यहाँ पे फुल साइज़ हेलमेट बिल्कुल भी नहीं आएगी। हम लोगों ने टेस्ट किया है, आप देख सकते हो सामने जो फ़ोटो है, इसमें हम लोगों ने फुल साइज़ हेलमेट रख कर सीट लगाने की कोशिश की, बट ये नहीं लग रहा था। तो यहाँ हाफ साइज़ हेलमेट आसानी से रखा जाता है। अब अगर हुक की बात करें तो यहाँ पे एक हुक मिल रहा है आपके सीट के अंडर सीट में, और इसमें आप आराम से 10 किलो तक का सामान कैरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। चार्जर की बात करो तो USB चार्जर आप कंपनी प्रोवाइड कर रही है। पहले यहाँ पे कार टाइप चार्जर मिल रहे थे तो आपको आफ्टर मार्केट उसका USB केबल लेना पड़ता था, तो अब वो सब आपको झमेला नहीं लेना है। अब कंपनी ही आपको USB चार्जर प्रोवाइड कर रही है, USB लाइट प्रोवाइड कर रही है, तो ये बेहतरीन चीज़ एक हो गई है। बट जो मैंने बोल रहा था साइड पॉकेट जो दिया गया है मोबाइल कैरी करने के लिए, उसमें अगर कवर होता तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता, सेफ ऑप्शन हो जाता। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ खास चीज़ों की। तो सबसे पहले रियर सस्पेंशन की बात कर ले तो रियर सस्पेंशन आपको स्विंग आर्म टाइप सस्पेंशन यहाँ देखने को मिलेगा। 5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। और वेट की बात करो तो 104 केजी कंप्लीट वेट है इस गाड़ी का। लेंथ की बात करो तो 1870 mm का लेंथ है इस गाड़ी का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ गाड़ी में मिलने वाला है। तो गाइस, इस गाड़ी को परचेस करने के लिए आपको शोरूम जाना पड़ेगा, शोरूम में टेस्ट ड्राइव करने पड़ेगा, बट उसके लिए कर्फ्यू ख़त्म होने तक का आपको वेट करना पड़ेगा। तो अब बात करेंगे इस गाड़ी के कलर्स ऑप्शन की। तो कलर आपको मिलने वाले हैं ब्लू, जो आपके सामने फ़ोटो आ रहा है, ये गाड़ी का कलर है पहला ब्लू। दूसरी की बात करें तो दूसरा आपको मिलने वाला है मैट ब्लैक कलर, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, मैट ब्लैक कलर। और अगर तीसरी की बात करें तो तीसरा कलर आने वाला है ग्रे, जो आपके सामने फ़ोटो में दिख रहा है। अब अगर इसके बाद चौथा कलर बात करें तो सिल्वर कलर, जो ऑलमोस्ट पॉपुलर गाड़ी है, सिल्वर कलर बहुत ज़्यादा दिखती है मार्केट में एक्सिस की। और इसके बाद आ रहा है पर्ल वाइट कलर, जो आपके सामने फ़ोटोज़ पे दिख रही है पर्ल वाइट कलर, ये भी मोस्ट पॉपुलर गाड़ी ही है बिकने वाली। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाली, तो ये है शाइनी ब्लैक कलर, जो लो मेंटेनेंस गाड़ी है, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। अब आपको प्रीमियम एडिशन की बात करते हैं तो ग्रीनिश ब्लू कलर, ये जो प्रीमियम एडिशन आपको सामने दिख रहा है, इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा पड़ सकता है आपको। इसमें ब्लैक अलॉय व्हील्स और लेदर सीट कवर आपको मिलने वाले हैं, तो देखने में ज़्यादा प्रीमियम लगती है। दो कलर आपको मिलने वाले हैं, एक मरून कलर और एक ग्रीनिश ब्लू कलर। तो सारे कलर ही अट्रैक्टिव है, सारे कलर ही अच्छे लग रहे हैं। तो इस गाड़ी के बाकी डिटेल्स के लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं, और बाकी सारी डिटेल्स के लिए शोरूम विजिट कीजिए, शोरूम में टेस्ट ड्राइव कीजिए, और उसके बाद अपना मन बनाए इस गाड़ी को ख़रीदने का, परचेस करने का। गाड़ी बहुत ही अच्छी है, मेरी तरफ़ से इसको मैं थम्सअप देना चाहता हूँ। तो ये गाड़ी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है, रोज़ प्रेजेंट भी अच्छी दे रही है। बट गाइस, जब तक कर्फ्यू ख़त्म नहीं होता, कोरोना वायरस के वजह से जो बंदी ख़त्म नहीं होती, तो प्लीज़ आप घर से ना निकलें। गाड़ी हम आज नहीं तो कल ख़रीद ही लेंगे, उसके लिए कहीं गाड़ी भाग के नहीं जा रही है। पहले अपनी सेफ्टी आप देखिएगा, और बाकी सारी डिटेल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूं। बट प्लीज़ गाइस, अभी आप घर से मत निकलना। कोई आई होप गाइस ये वीडियो आपको इतना ही पसंद आया जितना कि मेरी बाकी वीडियोस आपको पसंद आती हैं। तो इस गाड़ी से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, मैं उसकी आंसर देने की बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। और ज़्यादा आपको इमरजेंसी हो तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पर मैं मैसेज कर पाऊँगा। आई होप गाइस कि इस वीडियो को भी आप उतना ही पसंद करोगे जैसा कि मेरे बाकी वीडियोस को करते हो, और मेरा ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगा होगा। सारी YouTube फैमिली को बोलना चाहो तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई करो कि घर से ही आप अपना ब्लॉग या फिर रिव्यू वगैरह घर से ही बना सको। और प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करना अपने भाई को। जय हिंद, जय भारत।